हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो अब निफ्टी का चार्ट मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये डेली चार्ट है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट दिया है ये रेंज से, एक नैरो रेंज से। लेकिन अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर गैप रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो गैप रेजिस्टेंस है 10,800 के आसपास, गैप रेजिस्टेंस है 11,200 के आसपास। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस के आसपास है। अब गैप रेजिस्टेंस क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, डोंट वरी, गैप रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैं एक लर्निंग वीडियो बनाने वाला हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि गैप रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन वो जो गैप है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो 10,850 ये एक हर्डल होगा निफ्टी के लिए, और अगर वो क्रॉस कर लेता तो 11,200 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 10,850-10,830 क्रॉस नहीं होता है तो वापस हो सकता है हमें एक फॉल देखने को मिले। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रहना है अभी, और 10,830-10,850 ये लेवल के आसपास प्राइसेस कैसे रिएक्ट होता है वो आपको ध्यान देना है। बैंक निफ्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि थोड़ा वीक लग रहा है, बैंक निफ्टी नेगेटिव लग रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ, क्योंकि निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ। लेकिन अगर आप आज ओवरऑल ट्रेडिंग डे देखो तो एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी स्टिल वीक था। बैंक निफ्टी 22,400 तक गया, वापस बैंक निफ्टी 22,200 पे आ गया। अगर आप कंपैरिजन करो तो बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, और अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो सबसे पहले हमें फॉल बैंक निफ्टी में ही देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हो, अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनाना है तो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। 22,000 क्रूशियल लेवल होगा, 22,000 अगर टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो 22,000 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में TCS बाय दिया था 2,200 के आसपास, ऑलमोस्ट 70 रुपीज आप है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आई एम श्योर जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है उन लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने TCS में प्रॉफिट बनाया है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड लोगों को पता चलना चाहिए कि आप कौन से चैनल पे क्या किसको फॉलो कर रहे हो तो क्यों प्रॉफिट आ रहा है। आपको ट्रेड और लॉजिक दोनों साथ में मिल रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉफिट भी आ रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना इफ यू आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। रामको सीमेंट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है आज। सिप्ला जो सेल दिया था मैंने 635 पे, 629 तक ये लो आया, तो इसमें 3-4 रुपए का प्रॉफिट इसमें मिला। मैं आपको मेरे चैनल पे ये नहीं बोल रहा कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉल करो 97737, हमारा एडवांस प्रेडिक्शन लेवल है, हमारा एडवांस प्रेडिक्शन लेवल कैसे भी मार्केट में प्रॉफिट देता है, ये सब मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा। आई एम गिविंग यू लाइव ट्रेड्स फॉर टुमारो एंड यू आर मेकिंग प्रॉफिट। और अगर स्टॉप लॉस होता है तो मैं आपको जनरली हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ये ट्रेड स्टॉप लॉस हुआ है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्लीन एंड क्लियर प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस लॉस सब कुछ बता रहा हूँ एकदम ओपनली। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि ये लॉस वाला ट्रेड मैं हाइड कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। रामको सीमेंट स्टॉप लॉस हुआ है, मैंने आपको बताया। TCS में प्रॉफिट आया, मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको चैनल में ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं आपको कोई चीज़ें हाइड नहीं कर रहा, सिर्फ कोर्स बेचने के लिए। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे लेवल से हर एक मार्केट में चलते हैं, एडवांस प्रेडिक्शन लेवल है, हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉल करो। हर एक वीडियो में मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉल करो। अगर आपको ज्वाइन करना है कोर्स तो करो, नहीं करना तो आप वीडियो देखकर प्रॉफिट कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा डिवी स्लैब। डिवी स्लैब आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को टच करके आज वापस फॉल में देखने को मिला है। डिवी स्लैब काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो मुझे काफी स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, 2,900 के नीचे क्लोजिंग हुआ है जो कि एक राउंड ऑफ नंबर है। मुझे लगता है इसमें 50-60 रुपए का फॉल में देखने को मिल सकता है। सो इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा टाटा मोटर। टाटा मोटर अगर आप देखो इसमें एक क्लासिकल पैटर्न बन रहा है, एक रेजिस्टेंस था और वापस ये टेस्ट करने आया है। अगर ये 110 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये लेवल वापस रिटेस्ट कर सकता है 118-117 तक। तो यहाँ से 7-8 रुपये का आपको हमें देखने को मिल सकता है टाटा मोटर में। तो टाटा मोटर काफ़ी अच्छा लॉन्ग ट्रेड रहेगा 110 के ऊपर 118 के टारगेट्स के लिए। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।